अभी ये भाई परमिशन लेके आ गए हैं और अभी हमें ये साथ लेके जाएंगे उधर। दोस्तों अभी हम लोग इस कश्ती पर सवार होने लगे हैं और उसके बाद आपको ये सामने मौजूद इस गांव को विजिट कराने वाले हैं। कश्ती इस झील के अंदर रवा दवा है और अभी थोड़ी देर में हम आपको कश्तियों पर मौजूद ये लोगों ने जो घर बनाए हुए हैं उसका विजिट कराने वाले हैं। अभी इसका लंगर जो है नीचे डाल दिया है तो ये अभी इधर एक जगह पर स्टे करेगी, तो हम अपनी कश्ती को घुमा के इनके पास लेके जाएंगे। कैसी हैं आप, तबीयत ठीक है आपकी? चलें ये जो मछली पकड़ी थी उसको अभी यहाँ पर बनाया जाएगा। मछली का क्या नाम है इसका? नाम क्या है इसका? मुराखा। मुराखा। दोस्तों कश्ती पर बने हुए इस घर के पास मैं पहुंच चुका हूं। आइए आपको इसका विजिट कराता हूं। ये इस घर की छत का मंजर है और इसके साथ ही यहां पर सोलर प्लेट भी रखी गई है। ये घर कश्ती पर बनाया गया है और ये लोग पानी के अंदर रहते हैं। ये देखें कि चारों तरफ पानी मौजूद है। ये यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा है और अभी यहाँ पर खाना बनाया जाएगा। और बाहर का सीन देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी नमक लगा रहे हैं? नमक? हाँ नमक लगाए भी। हाँ कौन है? ये बच्चों के लिए यहाँ पर बस एक झूला बनाया गया है। ये क्या चीज़ है? ये बैटरी है, बैटरी? सोलर की बैटरी, सोलर प्लेट की बैटरी। जी जी। ये किस लिए, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये रात को मस्कत के लिए इस्तेमाल करते हैं। रात को रोशनी नहीं आती है ना, उस वजह से। रात को रोशनी के लिए? जी रात को रोशनी। और इसके अलावा का मोबाइल चार्जर वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? जी 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 करते हैं। जी जी ये मोबाइल का चार्जर लगा हुआ है। सकते हैं कि इसके चारों तरफ पानी है। ये झील के अंदर ये लोग रहते हैं। ये बहुत बड़ी झील है और ये लोग कश्तियों पर अपना इन्होंने घर बनाया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने अपना कुरान पाक रखा हुआ है। माँ जी दिखाएं ज़रा इसको, और खूबसूरत तरीके के साथ इसको कवर किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने अपना घर का खाने पीने का सामान रखा हुआ है। ये खाने पीने के बर्तन हैं। ये कमरा कश्ती के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है और इस झील के अंदर कमोबेश 40 से 50 घर मौजूद हैं जो कश्तियों पर इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। ये देखें, ये कश्ती को भी खूबसूरत तरीके के साथ इन्होंने डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर एक इन्होंने स्टोर बनाया है जहाँ पर घर का और साजो सामान रखा गया है। और यहाँ पर इन्होंने अपने पानी के इस्तेमाल के लिए घड़े भी रखे हुए हैं दो। ये अभी आयल गर्म हो गया था, उसमें अभी मछली डाली है। ये बिस्तर पड़े हुए हैं और बच्चे यहाँ पर मोबाइल भी देख रहे हैं।
माली आटे को थोड़ा पीछे रख दी क्योंकि नीचे कश्ती पर सिग्नल नहीं आते तो इसलिए भाई कश्ती के ऊपर आए चाहिए और हम लोग यहाँ पर बहुत सैलाब दोस्तों ये बांसों के जरिए से इसकी छत को बनाया गया है। ये बच्ची एक जगह से दूसरी जगह पर बेटा ये भी रख लो, ये लो खुले बस ये पौधे आना तो माता आई जाओ हम भी आ रहे हैं। आप बैठे, हम आ रहे हैं ना, आप बैठे तो सही साथ में। आप बैठे भी तभी कौन है आपकी उम्र कितनी है? कितनी उम्र है आपकी? पच्चीस साल तो बहुत थोड़ी उम्र है। मुझे तो लगता है कि शायद आपकी 70 से 80 साल उम्र होगी। तकरीबन 50 या 60 होगी। 50 से 60 साल उम्र। अच्छा ये बताएं कि आपकी शादी भी इसी कश्तियों में हुई? कश्ती में ही शादी। आपकी शादी जो हुई है इसी कश्ती में हुई है? आपके कितने बच्चे हैं? बच्चा घने चार पुटड़ा, दो बेटी हैं और चार बेटे हैं। चार बेटा बहुत बेटी। आपका खावन जिंदा है? नहीं, वो फौत हो गया। यानी माँ जी की शादी भी इसी कश्ती के अंदर हुई थी? हाँ जी जी। तो 80 साल पहले इनकी शादी हुई है और 80 साल पहले ये इसी कश्तियों के अंदर आप लोग यहाँ पे रहते थे? यही पे रहते। अच्छा माँ जी ये बताएं कि आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? हाँ जिंदगी घने खुशी पर हाँ पुरानी कश्ती उसी वही उन्होंने हाँ वर चमता को कितने निकलूँ दस उठो बाकी अगे ना जिंदगी ले कंधा में ले किस्त न ले तो बैठा हूँ जो ये सही ना सांझे ले सांझे वो डाडू इतने ये सिंधी में बात कर रहे हैं आप जरा बताएं उर्दू में क्या कह रहा है? ये कह रही है जो पहला जमाना था ना
पहले तो बहुत कुछ थे यहाँ पर, रोजगार रोजी बहुत थी पहले, बहुत कुछ थे। अभी जो है ना, अभी बहुत बेजार हो गए हैं। अभी हम लोग उतरना चाहते हैं जमीनों में। आप यानी बाहर रहना चाहते हैं? जी बाहर रहना चाहते हैं, सुखियों में रहना चाहते हैं जी। यही बोल रही है बड़ी। अभी हम लोग कश्ती से नीचे उतर चुके हैं और वापस किनारे पर जा रहे हैं। इसके किनारों को मजबूत करने के लिए यहाँ पर पत्थरों को आपस में जोड़कर लगाया गया है।